पानी, और मैं अर्थ करता। वो अर्थ करते करते मेरा सौभाग्य कि रामायण जी का सार लगभग मेरे मन मस्तिष्क में घुस गया और मुझे लगा कि जीवन अगर जीना चाहिए तो मर्यादित भगवान रामचंद्र जी की तरह जीना चाहिए। अब ये पाठ्यक्रम में शामिल नहीं था और मैं अच्छा वक्ता भी बना, तो वो अर्थ करने के कारण मैं वक्ता बना जो कुछ अच्छा बोल पाया। अब एक छोटी सी बात, ये शिक्षा नीति में शामिल नहीं था लेकिन मेरे गुरुदेव का चमत्कार था, उनने मेरे जैसे कई शिष्य ऐसे तैयार कर दिए। एक शिक्षक ने जो भी अच्छा कुछ है प्रारंभ में जो मुझे मिला वो मैं मानता हूं कि मेरे गुरुदेव की कृपा है, प्राइमरी स्कूल के मेरे टीचर की। अब शिक्षक की शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है इस उदाहरण से मैं तो समझ सकता हूं। औपचारिक कोई पाठ्यक्रम ही केवल पढ़ाते रहना है, तोते की तरह बच्चों को रटाते रहना है, बाद में फिर परीक्षा ले लेना है, बस्ते का बोझ फिर परीक्षा का बोझ, मैं केवल आलोचना नहीं कर रहा है। लेकिन आमतौर पर अगर हम देखें तो शिक्षा के तीन उद्देश्य होते हैं, एक ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना और तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते थे सा विद्या या विमुक्ता, ये जो मुक्ति दिलाए केवल इस लोक में नहीं परलोक में भी वो विद्या शिक्षा। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा शिक्षा वह है जो मनुष्य को मनुष्य बना दे, इंसान बना दे। और इन तीनों चीजों को भी अगर देखें, ज्ञान देना, पीढ़ियों द्वारा संचित जो ज्ञान है, चाहे वो इतिहास का हो, भाषा का हो, भूगोल का हो, गणित का हो, विज्ञान का हो, उसको अगली पीढ़ी को दे देना। अब देना किस तरीके से, ये सवाल है। शिक्षक की शिक्षा का अर्थ ही है क्या बस्ते के बोझ से नीरस प्रयत्नों के साथ। अब ड्रॉप आउट रेट का एक बड़ा कारण यह भी है कई बार कि तरीका पढ़ाने का ऐसा कि बच्चे सोचते हैं कि कब पिंड छूट, और एक तरीका यह कि इतनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार बना दी जाए कि बच्चे के मन में जिज्ञासा भी पैदा हो, जिज्ञासा को हम शांत भी करें और स्वाभाविक रूप से बच्चों का विकास कैसे हो। स्कूल भी और कई बार पेरेंट्स भी डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं, वस्तु तो यही पढ़, जो स्वाभाविक विकास होता है वो कैसे हो बच्चों का। हर एक की अपनी रुचि होती है, प्रवृत्ति होती है, विशेषताएं होती है, उनका प्रकटीकरण शिक्षा के माध्यम से कैसे हो और उस दिशा में कैसे और बेहतर वो बढ़ सके।